हेलो गाइस, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे ये पाव को चीज़ी ब्रेड बना रहे हैं। तो चीज़ी ब्रेड के लिए मैंने लिया है ग्रेटेड गार्लिक है, जिसको मैं उसके अंदर में मेल्टेड बटर डाल दूँगी। यानी हमारा ये रेडी है गार्लिक बटर, इसके अंदर मैं डालूँगी कोरिएंडर। ये ऑप्शनल है गाइस, अगर आपको खाली गार्लिक बटर पसंद है तो आप ऐसे ही रखना। गाइस मैं वेजीज ले रही हूँ, उसके लिए मैंने कैप्सिकम, टमाटो, ये कॉर्न है, कॉर्न के साथ ही थोड़े मेरे पास ऑनियन मिक्स हो चुके हैं, इसलिए मैंने वो मिक्सी रखा है। तो ये हम लेंगे गाइस। अभी इसको मैं सीजनिंग करूँगी ओरिगैनो, सॉल्ट, चिली फ्लेक के साथ। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे गाइस। ये स्टफिंग है उसको मैंने आधा कर लिया है, देखिए इसके अंदर। ये एक ही पाव का पहला मैं कर रही हूँ, उसके अंदर मैंने चीज़ डाल दिया है जो हमारा क्यूब है। अगर आपके पास डाइस चीज़ नहीं है ना, तो आप चीज़ को कट कर लीजिए जैसे मैंने कर लिया है, और वो हम ऐसे यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रेड पाव को लेंगे, इसको डीप नहीं, देखिए थोड़ा सा छोड़ के कट करना ऐसे अच्छे से। देखिए ये पूरे लेयर्स हो गए, सेम हम यहाँ कट करेंगे, देखिए ऐसे। ये संभाल के कट करना, देखिए ऐसे कम, इसे ऐसे फोर और ऐसे फोर मैंने इस तरह से कट लगाए, देखिएगा ये कट हो गए ना। अभी हम इसके अंदर ये जो हमारा गार्लिक बटर है ना, मैं उसको डालूँगी। अगर आपको कम लगता है आप और भी बटर ले सकते हैं, मैंने ये नॉर्मल बटर लिया, मुझे कम लग रहा था। अभी ये जो हमारे कोरिएंडर वाला जो बटर है ना, वो मैं सब जगह पे, देखिए ये जो बटर है ना, ये धनिया के साथ पूरा डाल रहे हैं। धनिया के साथ है ना एक अलग ही फ्लेवर आता है गाइस, आप इसको धनिया के साथ ही रखना, एक बार ट्राई करना। और धनिया आपको मुँह में भी नहीं आएगा, किसी किसी बच्चे को पसंद नहीं आता है तो वो लोग धनिया के लिए ना करते, लेकिन आप जब ये बनाएंगे ना, उसको मुँह में नहीं आएगा तो उसको अच्छा लगेगा। और धनिया हेल्दी भी होता है गाइस, देखिए गाइस मैंने ये पूरा बटर लगा दिया। ये जो अपना चीज़ वाला जो है ना, ये मैं देखिए हर एक पार्ट में हमें लेयर में लगाना है। ये देखिए कोई भी लेयर छूटना नहीं चाहिए आपको, जितना ज़्यादा चीज़ लेना है आप ले सकते हैं। मैं सब अंदर अंदर मिला रही हूँ सब, जरा मैं अच्छा सा ही लगाया है तो जरा अच्छे से होगा ना, तो हमारा नीचे से जलेगा नहीं। एकदम स्लो कर देना, हॉट हो चुका है पैन। अभी हम इस ब्रेड को है ना, देखो इसके अंदर डाल रख दे। अभी इसको कम से कम हम 5-7 मिनट इसको रखेंगे, अब मैं ढक लूँगी। देखिए गाइस 5 मिनट के लिए ढक लेंगे कम। गाइस ये देखिए मेल्ट हो चुका है अंदर से, लेकिन मुझे ऊपर से चीज़ डालना था, तो मैंने क्या किया अंदर कम डाला है, ऊपर देखिए गाइस बाहर से बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये हो चुका है, एकदम हॉट है, इसके ऊपर मैंने अच्छे से चीज़ ग्रेट कर दिया है। तो गाइस जो ऊपर होगा ना, वो आपको चीज़ी चीज़ी टेक्सचर मिलेगा, या आप चीज़ मेल्ट करके भी डालेंगे तो भी अच्छा लगेगा। देखिए गाइस मैं 2 मिनट के लिए और ढक दूँगी, अब अच्छा लगेगा और मेल्ट हो गया। देखिए चीज़ पूरा मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं अभी चीज़ ज़्यादा उभर के आएगा। देखिए गाइस दिस इज माय वे ऑफ चीज़ी ब्रेड। देखिए गाइस बच्चों के लिए बहुत यूनिक स्नैक्स चीज़ी ब्रेड, जो हमारे नॉर्मल बन में भी हम बना सकते हैं। If you like my recipe, please like, share and subscribe to me. Enjoy!